मार्च फिर से किसान आंदोलन से शुरू होगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी समेत विभिन्न मुद्दों पर मार्च में दिल्ली में प्रदर्शन किया जाएगा। गुरुवार को हरियाणा के जींद में आयोजित किसान पंचायत के दौरान यह ऐलान किया गया। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड समेत कई राज्यों के किसानों ने पंचायत में हिस्सा लिया है। किसान पंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे और इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल भी मौजूद रहे। मार्च में दिल्ली में होने वाले आंदोलन का ऐलान करते हुए दर्शन पाल ने कहा, हम दिल्ली में 15 से 22 मार्च के बीच बड़ा प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन की सटीक तारीख पर फैसला 9 फरवरी को कुरुक्षेत्र में होने वाली बैठक में होगा। वहीं किसान महापंचायत के बाद राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार पर पशुओं को भूखा मरने के लिए षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। राकेश टिकैत ने कहा, सरकार की तरफ से अभी तक एक दवाई लाई गई है जो घास और पौधों पर छिड़की जाएगी और इससे आवारा पशु पौधों को नहीं खाएं, लेकिन इस घास का चारा गांव के पशु भी नहीं खाएंगे और इस वजह से पशु भूखे मर जाएंगे। केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हमें भी पता है कि सरकार में हमें दिल्ली में प्रदर्शन के लिए कोई जगह नहीं देने वाली। अगर आपको अपनी फसल बचानी है तो अपने ट्रैक्टरों को तैयार रखना, कभी भी बुलावा मिल सकता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद करना चाहती है, लेकिन अगर सरकार आपके ट्रैक्टर को पकड़ना बंद कर दे तो समझ लेना कि आपका आंदोलन सफल हो गया। गौरतलब है कि निरस्त किए जा चुके 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाला संयुक्त किसान मोर्चा एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की मांग करता आ रहा है और इसके अलावा किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस की भी मांग कर रहा है।